अस्सलाम वालेकुम। ये हमने आज हेजरॉ सिस्टम में जो आपको बताया हुआ था सिलसिला, तो उसमें हमने ये कटाई की है और इसके जो रॉ टू रॉ डिस्टेंस था वो 10 फुट था और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 4 फुट था और इसमें हमने एलीवे जो छोड़ा है वो इस वक्त 4 फुट का है, यानी 3 फुट से हमने एक उसको कटाई की है और 3 फुट दूसरी तरफ, और ये टोटल जो है हमने 4 फुट की जो है वो गैलरी छोड़ दी है। तो ये आपके सामने है, ये मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है जनाब हाजी ज़ोर मौलाना साहब का, बख्तावर मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है अब्दुल हकीम में। तो इसको आज फिर हम विज़िट कर रहे हैं। इसकी हाइट को हमने 9 फुट के ऊपर रखा हुआ था, 9 फुट पे नॉर्मली हमने नहीं रखना, हमने 8 फुट से नीचे ही रखना है, लेकिन 9 फुट इसलिए किया है, एक तो हमने इसकी प्रूनिंग लेट की है और दूसरा आगे जो एक महीना हमने लेट कर दिया है, और दूसरा ये है कि आगे अगर कोरा पड़ता है, फ्रास्ट पड़ता है, तो उसको भी अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि अगर 1 फुट हाइट ज़्यादा होगी तो कोरे का अगर कोई इम्पेक्ट आता भी है टॉप से, तो उस पर हमें जो है हमारी प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। जी सलाम वालेकुम। ये हमने अब ये हैज मुकम्मल कर ली है और इसकी हाइट जो है जैसे मैंने बताया था 9 फुट रखी है हमने, और इसका जो टोटल प्लांट का घेरा है वो 6 फुट है, 3 फुट एक साइड पे, 3 फुट दूसरी साइड पे है। जो प्लांट टू प्लांट है, विद इन द प्लांट्स हमने जो है वो प्रूनिंग नहीं की है। ये भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पे 25 एकड़ लगे हुए हैं। आप इस इन प्लांट्स की यहाँ पर ग्रोथ आप देखें कि इनके तने को हमने कवर रखा हुआ था, जितना हम तने को कवर रखेंगे उतना जो है पौधा वो अच्छा ग्रो करेगा, यानी पौधा स्ट्रेस में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी देख लें, हमने इसका जो हैज रो सिस्टम है इसकी हैज को हमने अब मेंटेन कर लिया है, और ये अगले साल ग्रोथ पे आएंगे, इसकी फ्लावरिंग भी होगी और ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह हम ज़रूर दिखाएंगे। हमेशा एक बात जहन में रखें कि हमने मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम जब भी लगाना है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल से हमने नहीं हटना, यानी हर साल हार्वेस्टिंग के फौरन बाद हमने इसकी प्रूनिंग करनी है, इसकी हैज बनानी है, इसकी टॉप प्रूनिंग करनी है, साइड प्रूनिंग करनी है, तो फिर ही हम जो है इसके सही फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। STS पर नया बाग लगाने वाले बागबान हजरात STS के बुनियादी असूल को ज़रूर मद्देनज़र रखें। सबसे पहले जो है वो इस बात का ख्याल रखें कि दो मौसम हैं पौधे लगाने के, एक मौसम आता है वो आता है 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक, और दूसरा मौसम है वो आपका आता है 15 फरवरी से लेकर और 31 मार्च तक। तो इन दो मौसम में आप पौधा लगा सकते हैं। मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में पौधे की सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उस पौधे का ग्राफ्ट जो है वो 1 फुट पर हो और उसकी ट्रेनिंग जो है वो 2.5 से 3 फुट के ऊपर हो, यानी 80 से 90 सेंटीमीटर के ऊपर उसकी ट्रेनिंग हुई हुई हो, तो वो पौधा जो है अच्छा कैनोपी बनाएगा और बहुत जल्द डेवलप होगा। पौधे को तेज़ी से डेवलप करने के लिए टिपिंग जो है वो बहुत बड़ा टूल है और वो एक किस्म की फर्टिलाइज़र का काम करता है, वो टिपिंग ज़रूर करनी चाहिए। टिपिंग के भी दो ही मौसम जो हैं वो बेहतरीन है, एक आप मार्च में और अप्रैल तक कर सकते हैं और दूसरी आप अगस्त में कर लें, तो ये दो जो हैं टिपिंग के लिए आपके बेहतरीन जो हैं वो मौसम हैं। इसके अलावा जब आप पौधा लगाएं तो उस पौधा जो है ना वो एहतियात से लगाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पौधे लगा रहे होते हैं तो उस वक़्त जो है अक्सर माली हजरात जो है वो बद एहतियाती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से पौधों की मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। कहीं से भी आप किसी नर्सरी से भी पौधा लेंगे
तो उसमें आपकी 10% तक मॉर्टेलिटी होना जो है वो मामूली बात है। यानी आपने 100 पौधा लिया तो उसमें से 10 पौधे, या 1000 पौधा है तो उसमें से 100 पौधों का मरना जो है वो मामूली बात है। उसमें बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये नर्सरी वाले की गलती है। तो इसलिए आप इतना मार्जिन ज़रूर रखा करें, जब भी पौधे ख़रीदें तो उसमें आप 10% पौधे जो हैं उनका इजाफा करके ख़रीदें।